हैदराबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हमने वहाँ पर सभी छात्र संगठन थे और हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ के चुनाव कराए जाए, लेकिन वहाँ पर भारी पुलिस बल था, सरकार का प्रेशर था कि कोई भी छात्र संगठन प्रदर्शन करे आप तुरंत लाठी चार्ज करें। हम वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे थे तो ऐसा हमने कुछ किया भी नहीं था, पुलिस ने कब हम पर लाठी चार्ज कर दी कुछ पता नहीं लगा, बैठे बैठे हमको मारा गया, हमको खचीटा गया, जो उन्होंने जाति करनी थी जबरदस्त तरीके से छात्रों पर उन्होंने लाठी चार्ज किया। वाईएमसीए पर भी आपने धरना किया था, वहाँ पे शांतिपूर्वक सब कुछ रहा, नेहरू कॉलेज पर आके सब कुछ हुआ। देखिए वाईएमसीए पे हमने वहाँ के तो मेन गेट पर हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे राजेश कुमार जी, एसीपी थे दो अमन यादव और बलबीर जी, उन्होंने छात्रों के साथ कोऑपरेट किया और आवाजों को उठाने दिया, लेकिन नेहरू कॉलेज पर पता नहीं किसके आदेश थे क्या थे, सरकार का दबाव था, हम पे छुट्टे ही लाठी चार्ज किया गया। देखेंगे हमने जो अपनी आवाज़ उठानी थी हम लोकतंत्र को नहीं दबने दिए देंगे, छात्रों की आवाज़ को नहीं दबने देंगे, ये हमारा धर्म है, एक छात्र नेता का धर्म है, वो हमने निभाया, उन्होंने अपना किया हमने अपना किया, लेकिन इस तानाशाही रवैये का आने वाले वक्त में इस बीजेपी सरकार को हम जवाब देंगे। कितनी चोटें आई आपको? देखिए कमर पर है, पैर में है, है दो तीन जगह। लाठी चार्ज में आपके साथ साथ और किस किस को चोटें आई हैं? मेरे बड़े भाई हैं प्रदीप धनखड़, एनएसआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नीरज भाई है, एक संजीव अत्री है, सन्नी बादल है, तमाम छात्र हैं, मुझे तो 5 छात्रों को पता लगा, अभी पता लगेगा कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को चोटें आई हैं। तो पुलिस की इस बर्बरता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रशासन का पीछे से दबाव था सरकार को, प्रशासन दबाव जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब पर दबाव था कि भैया कुछ भी हो एबीवीपी को चोर दरवाजे से सत्ता सौंपनी है। लेकिन हमने भी जो जितने छात्र संगठन ने सबने विरोध के कार्यकर्ता हैं, आज जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया है वो कहां तक आपको लगता है कि ये पुलिस की बर्बरता है, बच्चों को चोटें भी आई हैं उसके लिए आपको? बिल्कुल, मैं तो ये पहले ये कहूँगा, मैं सन्नी बादल नेहरू कॉलेज प्रेसिडेंट NSUI, मैं ये कहूँगा कि जैसा कि हमने कल बताया था कि हमें आज प्रदर्शन करना है, हम इस नीति के खिलाफ थे कि हम चाह रहे थे कि वोटिंग के थ्रू इलेक्शन हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराकर एक अपनी धांधली घोषित, मतलब धांधली हमारे ऊपर भी दिखा दी। एक लोकसभा चुनाव में भी ये EDM मशीन में घोटाला करते हैं, विधानसभा में EDM मशीन घोटाला करते हैं, अब इन्होंने हम छात्रों को भी नहीं छोड़ा, छात्रों को भी इन्होंने हमको ऐसा वो कर दिया था। हमने YMC कॉलेज में पहले किया प्रदर्शन, YMC कॉलेज के ड्यूटी मजिस्ट्रेट SDM साहब आए थे, उन्होंने हमें समझाया, प्यार से समझाया, बट जो हम नेहरू कॉलेज में फिर दोबारा प्रदर्शन करा था हमने, तो नेहरू कॉलेज पर आज हमारे साथ हमारे कुछ छात्र ऐसे घायल कर दिए उन्होंने, और जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट SDM साहब आए थे उनको हमको समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनकर हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा दी, जिसके कारण हमारे जसवंत भाई को उसी तरीके से हो गया। तो जैसे डूसू में हमारी बहन कृष्ण ठाकुर जो राष्ट्रीय महासचिव है, आने वाले टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसी की जैसे बिल्कुल सेम सीन हुआ था, वो हम अपनी एक आवाज़ उठा रहे थे, तो आवाज़ उठाते ही उन्होंने जैसे ही हमने प्रदर्शन शुरू करा उन्होंने लाठी चार्ज कर दी, और जो कि छात्रों के लिए छात्रों के ऊपर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी,